एक वक्त पर भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग की तूती बोलती थी, खासकर एंट्री लेवल और मिड रेंज सेगमेंट में। लेकिन अब कंपनी की पकड़ वैसी नहीं रही। इसकी वजह रही है शाओमी और असुस जैसे ब्रांड के किफायती हैंडसेट। दक्षिण कोरिया की इस कंपनी ने अब नए गैलेक्सी J6 हैंडसेट से पर्दा उठाया है, जो बजट सेगमेंट के ग्राहकों के लिए कंपनी की नई पेशकश है। यह सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें फेस अनलॉक जैसे फीचर हैं। सैमसंग गैलेक्सी J6 की शुरुआती कीमत है 13,990 रुपए। क्या इन फीचर और स्पेसिफिकेशन के दम पर सैमसंग का यह फोन Redmi Note 5 Pro और Zenfone Max Pro M1 को चुनौती दे पाएगा, आइए जानते हैं। सैमसंग गैलेक्सी J6 का डिजाइन रिफ्रेशिंग है। लंबे डिस्प्ले और स्लीक फ्रेम के कारण इसे हाथों में रखना सहूलियत भरा है। पिछले हिस्से पर उंगलियों के निशान नहीं पड़ते हैं। यह पॉलीकार्बोनेट का बना है। सैमसंग के अपने सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ आने वाला यह सबसे सस्ता मॉडल है। एस्पेक्ट रेशियो 18:5:9 है। एमोलेड पैनल के कारण कलर रिप्रोडक्शन बेहद ही सटीक है। फ्रंट पैनल पर कोई नॉच नहीं है, सभी कंट्रोल ऑन स्क्रीन है। यह स्मार्टफोन ब्लू, ब्लैक और गोल्ड रंग में उपलब्ध है। हमने ब्लैक वेरिएंट को रिव्यू किया है, जिसके लोकप्रिय होने की संभावना सबसे ज्यादा है। हालांकि गैलेक्सी J सीरीज में पहली बार ब्लू एडिशन भी लाया गया है, जो कई लोगों को पसंद आ सकता है। गैलेक्सी J6 में एम्बियंट लाइट सेंसर, डिजिटल कंपास और जायरोस्कोप नहीं दिए गए हैं। इसका मतलब है कि स्क्रीन की ब्राइटनेस अपने आप एडजस्ट नहीं होगी। इसके अलावा आप यह भी नहीं जान सकेंगे कि आप गूगल मैप्स पर किस दिशा में देख रहे हैं। फोन के पिछले हिस्से पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो LED फ्लैश के साथ आता है। कैमरे के नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर को जगह मिली है। फोन के दाएं किनारे पर पावर बटन है और स्पीकर के लिए भी जगह बनाई गई है। बाईं तरफ वॉल्यूम कंट्रोल के बटन है। अलग से दो स्लॉट हैं, एक में सिम कार्ड रखा जा सकता है, वहीं दूसरे में एक सिम कार्ड के साथ microSD कार्ड के लिए जगह है। दोनों ही स्लॉट में नैनो सिम को इस्तेमाल करना होगा, लेकिन किसी भी वक्त एक सिम ही 4G नेटवर्क पर काम करेगा। निचले हिस्से में माइक्रो USB पोर्ट, माइक्रोफोन और हेडफोन जैक को जगह मिली है। गैलेक्सी J6 को रफ्तार देता है Exynos 7870 प्रोसेसर, जो फोन का सबसे ज्यादा निराश करने वाला पहलू है। बीते 2 साल से Exynos 7 सीरीज के चिपसेट सैमसंग के बजट फोन का हिस्सा रहे हैं। अब कंपनी को इसे बदलने की जरूरत है। अन्य स्पेसिफिकेशन में 3GB रैम, 3000mAh बैटरी और 32GB स्टोरेज शामिल है। हैंडसेट में 256GB तक के microSD कार्ड के लिए सपोर्ट मौजूद है। कॉल क्रिस्प रहते हैं, चाहे आप ईयरपीस इस्तेमाल कर रहे हों या लाउड स्पीकर। हालांकि स्पीकर की पोजीशन गलत है, क्योंकि वीडियो देखते वक्त यह बार बार ढक जाता है। फोन पर सबवे सर्फर्स और टेंपल रन 2 जैसे कैजुअल गेम तो आसानी से चले ही, साथ में हैवी ग्राफिक्स वाले Asphalt 8 जैसे गेम को खेलने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। गेम खेलने के दौरान बैटरी की भी खपत बहुत ज्यादा नहीं हुई। गैलेक्सी J6 के फेस अनलॉक फीचर के बारे में कंपनी ने जमकर प्रचार किया है। दिन की रोशनी में यह अच्छा काम करता है, लेकिन रात में यह ज्यादातर मौकों पर किसी काम का नहीं है। अच्छी बात है कि फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। रिव्यू के दौरान हमने पाया कि यह तेजी से काम कर रहा था। बेंचमार्क स्कोर औसत से कम थे। यह फोन कहीं से भी Redmi Note 5 Pro और Zenfone Max Pro M1 को चुनौती नहीं दे पाया, जबकि इन हैंडसेट की कीमत गैलेक्सी J6 के आसपास है। सैमसंग गैलेक्सी J6 एंड्रॉइड 8 ओरियो पर आधारित सैमसंग एक्सपीरियंस 9.0 पर चलता है। यह OS कंपनी के प्रीमियम हैंडसेट का भी हिस्सा है। टच विज की जगह सैमसंग एक्सपीरियंस आने का एक फायदा यह हुआ है कि अनचाहे ऐप की संख्या कम हो गई है। सैमसंग ने गैलेक्सी J6 में नए चैट ऑन वीडियो फीचर को पेश किया है। इसकी मदद से आप यूजर फुल स्क्रीन वीडियो देखते हुए भी व्हाट्सएप और SMS का जवाब दे सकेंगे। रिव्यू के दौरान सैमसंग एक्सपीरियंस 9.0 बेहद ही स्मूथ रहा, लेकिन हम लंबे वक्त तक इसकी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत कुछ नहीं कह सकते। सैमसंग गैलेक्सी J6 की बैटरी परफॉर्मेंस ने हमें प्रभावित किया। इसकी 3000mAh की बैटरी हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में 14 घंटे से ज्यादा चली, जो सराहनीय है। स्टैंड बाय शानदार था और आम इस्तेमाल के दौरान हमें दिन में सिर्फ एक बार ही चार्जर की जरूरत पड़ी। फोन के साथ दिया गया चार्जर बैटरी को पूरी तरह से चार्ज करने में करीब 2.5 घंटे का वक्त लेता है। गैलेक्सी J6 में पिछले हिस्से पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसी कैमरे का इस्तेमाल गैलेक्सी ON 7 प्राइम में भी हुआ है। इसका अपर्चर f/1.9 है और यह LED फ्लैश के साथ आता है। दिन की रोशनी हो या कम रोशनी, कैमरे से ली गई तस्वीरें निराश करने वाली आती हैं। सुपर एमोलेड पैनल पर ब्लेंड कलर रिप्रोडक्शन साफ नजर आता है। कैमरा ऐप में आपको ब्यूटी, नाइट, प्रो और पनोरमा जैसे मोड मिलेंगे, जो तस्वीरों की क्वालिटी में बहुत बड़ा सुधार नहीं करते।
फ्रंट कैमरे का सेंसर 8 मेगापिक्सल का है। यह भी f1.9 अपर्चर और LED फ्लैश के साथ आता है। दिन की रोशनी में ली गई सेल्फी अच्छी आती हैं, लेकिन कम रोशनी में सेल्फी कैमरे की परफॉर्मेंस बेहद ही खराब है। सोशल मीडिया के दीवानों के लिए कैमरा ऐप में 3D स्टिकर्स भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाईजेशन या ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन नहीं होने के कारण वीडियो शेकी रिकॉर्ड होते हैं। Xiaomi Redmi Note 5 Pro और Asus Zenfone Max Pro M1 की तुलना में Samsung Galaxy J6 पैसा वसूल प्रोडक्ट नहीं लगता है। परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि नए डिजाइन, भरोसेमंद बैटरी और सुपर एमोलेड डिस्प्ले के कारण Samsung का यह मिड रेंज हैंडसेट भीड़ में खोएगा नहीं। कुल मिला के 13,990 रुपए की शुरुआती कीमत वाले इस हैंडसेट में कुछ अपील तो है ही, और यह अपने प्रतिद्वंदियों की तरह आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं ही होगा। तो यह था Samsung Galaxy J6 का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें। टेक्नोलॉजी की दुनिया के और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।